चलिए इस क्लास में हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट समझाने के लिए हम लोग कुछ सेट्स लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला एक सेट ले रहा हूँ मैं ए, और इस सेट में जो एलिमेंट है वो देखिए ऐसा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब कि आपके स्कूल का सारा बच्चों का एक सेट ले लिया गया। उसके बाद में फिर बी एक सेट ले लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर में कैसा एलिमेंट है, वाई, और वाई कैसा है, वाई इज सच दैट वाई इज ए मेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। मतलब कि जितने भी मेल स्टूडेंट है उनका जो ग्रुप बनाया गया है, उनका जो सेट बनाया गया वो y है। उसी प्रकार से c एक सेट ले लेते हैं और उसको हम लोग नाम दे देते हैं z, z एलिमेंट है उसके अंदर में, और z कैसा है, z इज ए फीमेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और डी एक सेट और ले लेते हैं, और डी कैसा है, तो डी का बात करें हम लोग तो इसका हम लोग ले लेते हैं, इसके अंदर में ए है एक एलिमेंट, और ए इज स्टूडेंट ऑफ क्लास एट, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ योर स्कूल, अब देखिए इन चारों सेट को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि B का सारा एलिमेंट, C का सारा एलिमेंट, D का सारा एलिमेंट कहाँ मिलेगा हम लोग को, A मिलेगा। मतलब ये अगर स्कूल है, ठीक है, और A सेट है, ठीक है, इसी के अंदर में अगर हम लोग बी को खोजे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बी में सारा मेल स्टूडेंट है, सी में सारा फीमेल स्टूडेंट है तो सी भी मिलेगा, और डी में स्टूडेंट ऑफ क्लास एट है वो भी आपका स्कूल में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी सी डी ऑल आर सबसेट ऑफ ए, ऑल आर सबसेट ऑफ ए, और हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से कि ए इज ए क्या, यूनिवर्सल सेट। ए को क्या कहेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, क्लियरली द सेट बी सी डी आर ऑल सबसेट ऑफ ए, तो ए कैन बी कंसीडर एज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। देखिए कैपिटल यू जो होता है ना, इससे हम लोग डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। चलिए इसका हम लोग वेन डायग्राम भी देख लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम,
ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, मतलब सेट का अगर हम लोग डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको बोला जाता है डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेट। और जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन सेट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, इज नोन एज वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए तो अभी इस वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट का डायग्राम अगर देखेंगे हम लोग तो उसके लिए कुछ सेट चाहिए। मैं यहाँ पे एक यू ले लेता हूँ, यू सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा। 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है इसके अंदर में, ठीक है। और एक सेट में ले लेता हूँ ए, इसके अंदर में 2 और 4 एलिमेंट है। और एक सेट ले लेता हूँ मैं बी, इसके अंदर में 1 और 3 है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे इसको हम लोग इस तरह से बनाना होगा। देखिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हिसाब से इसको हम लोग बनाएंगे और इसका नाम यू दे देंगे। इसके अंदर में मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और ये जो सर्कल है ये आपका ए है और ये ए सेट है और इसके अंदर में 2 एलिमेंट है, 2 और 4। और यहाँ पे मैं और एक सर्कल बना रहा हूँ और ये आपका बी है और इसके अंदर में एलिमेंट है 1 और 3 और एक एलिमेंट जो कि यू में है वो है 5। तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका वेन डायग्राम हम लोग बनाए हैं, यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाए, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।